ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखर प्रहरी, खबरों की पड़ताल तह तक। जहां एक तरफ कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार बढ़ते जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ लॉकडाउन की वजह से तमाम दुकानें बंद है। दुकानें बंद होने की वजह से नहीं मिल पा रही सामान, जिसके कारण आम जनता को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान डाक विभाग की एक अनोखी पहल सामने आई है कि कोरोना उपचार है तो बहुत सारी सामग्री जैसे कि मास्क, सैनिटाइजर, हैंड वॉश, गमछा, काढ़ा और भी बहुत सारी सामग्री एक ही छत के नीचे आपके अपने डाकघर और ग्रामीण डाकघर में उपलब्ध कराने की योजना एवं अनिल कुमार के प्रयास से नवादा के गाँव तक पहुँचाने की योजना है, जो उचित रेट पर उपलब्ध होगी और मार्केट से कहीं कम रेट पर, और साथ में ही खादी भंडार की प्रमाणिकता भी होगी, जिससे हमारे प्रधानमंत्री का सपना पूरा होगा। मेक इन इंडिया के तहत खादी भंडार ग्राम उद्योग के द्वारा यह समस्त सामग्री डाक विभाग से टाई अप करके आपके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है। नमस्कार, प्रणाम। कोरोना शॉप के उद्घाटन की घोषणा करते हुए मुझे हार्दिक खुशी हो रही है। आप सबको बहुत बहुत बधाई। आज से एक छत के नीचे भारत सरकार की एक दुकान से कोरोना से बचाव के सारे सामान, प्रमाणिक सामान, किफायती दर पर उपलब्ध होंगे। आज हम लोग यहां शुरू किए हैं, बाद में हम लोग ब्लॉक स्तर पर इसे ले जाएंगे। साथ ही आप अपने घरों में बैठकर भी डाकिया के द्वारा मास्क हो, सैनिटाइजर हो, जो भी सामान चाहें आप मंगवा सकते हैं। हम लोग अन्य संस्थाओं से बात कर रहे हैं, जिससे बचाव के इस जंग से जीतने के लिए और भी सामान इसमें हम लोग जोड़ सकें। आपसे आपके सलाह और फीडबैक की जरूरत है, जिससे इसको बेहतर कर सकें। उम्मीद है कि इसका इस शॉप का आप सभी लाभ उठाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई।